साई राम। ओके बेटा, वेलकम फॉर द प्रेजेंट क्लास, राइट? सो लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन। ओके, एंड आई विल आस्क यू चेरी, है ना, टेल मी इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शोइंग यू माय पीपीटी, राइट? व्हाट कैन यू सी देयर चेरी? ओके सर। व्हाट इज देयर ऑन माय स्क्रीन? सॉरी सर, आपकी फोटो। फोटो मेरी है, पीपीटी नहीं दिख रहा सर। कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। डेट 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 सो डेट डेट दी ना डेट सर। सर यू फाउंड द डेट सर? 1/7/2020 सर। 1/7/7 सर। 1/10 अब दिखने लगी सर, अब दिखने लगी। थोड़ा दिख रहा होगा तब बेटा, है ना, स्मॉल दिख रहा होगा। सर मेरे साथ भी पिछली बार ऐसा ही हो रहा था ना, तो सर मैंने एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन होता हूँ तो सर दिखने लगती है। ओके यस, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स, वी ऑल नो अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, सो मेनी अ टाइम यू विल बी गिवन टू नंबर्स एंड यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ बोथ और मोर देन टू इवन। ओके, सो सपोज एग्जांपल इज what are the common factors of 20 and 35? So first of all, write down the factors of 20. So 20 factors, what are the factors 20? 1, 2, 4, 5, 10 and 20. Hai na beta? Because these are dividing 20. And factor 35, 1, 5, 7 and 35. So see, which are common in both? 1 is common, another is 5 is common. So common factors of 20 and 35 is equal to 1 and 35. Got it, Cherry? Yes. And beta, yes, sir. Can, you can circle also. Or sir, also doubt hai. Yes, sir. Yes. Sir, ये हम लोग को एक doubt practice करनी है. अच्छा समझते जाओ बेटा अभी. हाँ बोलो doubt, Cherry. सर शेयर में नहीं लिखना ना. सर ये screenshot इसकी class work में लिखना है, ये पूरा जैसा अभी आप दिखा रहे हैं. हाँ बेटा class work में लिख के जाना, class work में लिखना. Yes. So 1 and 5, these sir, are common. बिल्कुल ऐसा ही नहीं, आप शॉर्ट में ले सकते हो अभी, राइट? 1 and 5, got it बेटा? Similarly, if I say you, let me show. What can you see now on the screen? Sir, canvas. Sir, canvas. Okay, so if you want another example, you want to say common factors of 8 and 12. Okay, beta? So common factors of 8 and 12. If you want to find out common factors of 8 and 12. So what are the factors of 8? Who will tell me? 1, 9. Factors of 8. Bolo beta, haan. Sir. 1. 8. 1. 2. 4 and 8, है ना? 8 है ना बेटा? And factors of 12. मैं नहीं पाया अटक गया था. हाँ बेटा, factors of 8 are 1, 2, 4 and 8. And factors of 12, tell me. 1. Yes sir. 2. 4. 3 also. 4 also. Yes. 6 also, 6, 4, and 12. 12. These are the factors 12. Of 12. And now find the common factors. So what are the common factors? Look, 1 is the common factor in between both. 1, 2, 4. And 2 is also 4. There. So 4. You can start. 1, 2, 4. 4. And 1, 2, and 4. So answer will be 1, sir, common 2, factor 1, 2, 4. 4. 1, 2 and 4. Yes, sir. 1, 2 and 4. Kitna asaan hai beta. Hai na? You can circle like this. And you can see, you can make like this diagram also. For samajhne ke liye dekho. 8. So what are the factors of 8? 1, 2, 4 and 8. Is circle mein kya hai? In this circle, factors of 8 are there. And in this circle, factors of 12 are there. See, 1, 2, 3, 4, 6 and 12. And what are the common between these two? 1, 2 and 4. देखो दोनों में ना ये
दिस पोर्शन इनको। हाँ बेटा बोलो सर, जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं तो वो जैसे हमने ब्लू पेन से नंबर्स लिखे तो सर ब्लैक पेन से उसके ऊपर सर्कल लगा सकते हैं? यस 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 बेटा, ताकि देखे वो हाईलाइट हो। हाँ हाँ करेक्ट कर सकते। यस यस नाउ लेट अस गो अहेड। या नाउ कॉमन मल्टीपल्स बेटा, राइट? कॉमन मल्टीपल्स कैनॉट बी finite, it is infinite, you know, all know that. Sir, एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा देंगे। पीछे वाली स्लाइड अटक रहा है बहुत। एच वन बेटा, कैनवस, कैनवस बाद में दिखाता हूँ मैं आपको, ओके? नाउ सी सेकंड क्वेश्चन, फाइंड फर्स्ट थ्री, यस बेटा, चेरी, हेलो, व्हाट हैपेंड चेरी? नेक्स्ट क्या होगा? इस तरह से आगे और जाते तो क्या मिलता है हमारा? 36 मिलता है। इसी का मल्टीपल लिख देना बेटा। पहला जो मिला है कॉमन, इसके मल्टीपल लिख दोगे जितने चाहो उतने। अगर पूछता फाइंड फर्स्ट फाइव कॉमन मल्टीपल्स ऑफ थ्री एंड फोर, तो क्या क्या होता है? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 36, 12 4 जा 48 एंड 12 5 जा 60। ओके, नाउ लेट्स कम टू द कैनवास। सी इफ वी वांट टू राइट डाउन द सपोज फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6, suppose, no, let us change the number, 4 and 5, okay, 4 and 5, so what are the multiples of 4, who will tell me? 4, 7, 4, 5 तक लिखने रहते हैं ना? नहीं आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। दिखा देना बेटा, एक कॉमन मल्टीपल जहाँ तक मिल जाए वहां तक लिखना जरूरी है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20, सर 20, सर 20, सर 20 होगा, सर कॉमन मल्टीपल 20, देखो कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएगा? 20, और कितना हो जाएगा? क्या मिलेगा सर? 20 का मल्टीपल नेक्स्ट क्या मिलेगा सर? 60 मिलता जाएगा, काम नहीं आएगा। सो इट इज आस्क्ड फर्स्ट 5, फर्स्ट 6, फर्स्ट 10, यू कैन राइट डाउन। ओके, सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स? Tell me, beta. No, I think you can find out. Okay, next. Sir, cherry का neck. Cherry, yes. Sir, cherry का neck नहीं चल रहा है, इसलिए वो leak हो रही है. कोई बात नहीं, beta. Next class में join कर लेगी वो. See, co-prime numbers. अभी आपने देखा common factor निकाला था. If common factors of two numbers is one only, सिर्फ one ही है common factor. One के अलावा कोई दूसरा number नहीं. Then they are called co-prime numbers.
If one is the only common factor between two numbers, then they are said to be co-prime numbers. As for example, देखो बेटा 7 and 15. So factors of 7, 1 and 7. Factors of 15, 1, 3, 5 and 15. So what is the common factor? 1. So we can say that 7 and 15 are co-prime numbers. Getting my point? So any two numbers, if you want to find out whether they are co-prime or not, what you have to find out? Their common factors. If it comes one, only one, then yes. Agar one ke alawa aur koi number aa gaya, to no. Let us understand why. That's 3 and 2. Haan, but example dekhte hain. Abhi example dekhte hain hum. New drawing lete hain. Suppose somebody asks you 8 and 14. Are they co-prime? Let us find out. So what are the factors of 8? Tell me. 1, 2, 4, 4 and 8. And what are the factors? Sir, 1, 2, 4, 8. Factors of 14? 1, 2, 4, 8. 1, 2, 2 7, 7, and 14. 14. What are the common factors? 1. 1. Sir, 1. And 2 also. Sir, 1 and 2. 1 and 2. 1 and 2. 1 and 2. One, one and two. One, two. Then what can you say? No, 8 and 14 are not co-primes. Any problem, beta? So 8 and 14 are not co-primes, right? Agar common factor sirf one aata, then bolte yes. Otherwise, no. Got it? Okay, beta. Co-primes. So remember. Okay, sir. Number need not be prime number always, but twin primes में दोनों number को prime number होना चाहिए. यहाँ पर जरूरी नहीं है. They may be prime number, they may not be prime numbers. Okay, next one. More divisibility rules. है ना? Copy लेके तैयार है ना बेटा. See, if a number is divisible by another number, okay, एक number है, वो दूसरे number से divide हो रहा है, then it is divisible by each of the factors of that number. तो उस नंबर के जितने फैक्टर्स होंगे उनसे भी डिवाइड होगा. मान लो एग्जांपल है 24, तो 24 इज डिविजिबल बाय 12, है ना बेटा. 12 2 जा 24, देन 24 विल बी आल्सो डिविजिबल बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12. सी व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12? 1 2 3 4 6 एंड 12. और देखो आप इन सब से ये भी डिवाइड होगा. देखो 1 से डिवाइड करो 24 जा, 2 से डिवाइड 2 जा, 3 से डिवाइड 3 8 जा, 4 से 4 6 जा, ये 6 4 जा एंड 12 2 जा. ठीक है बेटा? तो अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो वो उस नंबर के सारे फैक्टर से भी डिवाइड होगा. गॉट इट? वेदांश? यस सर. यस बेटा. नेक्स्ट नेक्स्ट रूल इज इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर्स देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट. ठीक है बेटा? ऐसे मान लो 60 divided by 3 and 5 and 3 and 5 are co-prime. Product matlab multiplication. Result of multiplication is called product. Result of addition is called sum. Result of subtraction is called difference. Result of multiplication is called product. Result of division is called quotient. If it is 100 divisible. Got it beta? It term hai. Answer ka term hai sabka. If you multiply two or more number, then the answer is called product. Okay? So, 60 is divisible by 3 also, 320 ja. 5 se divisible hai, dekho, 12, 5 ja. So, and 3 and 5 are co-prime. So, 3, 5 ja, 15. So, 60 will be also divisible by 15. Theek hai beta? So, if a number is divisible by 2 co-primes, then that will be also divisible by the product of the both co-prime numbers. Okay, beta? Vedansh? Yes, sir. Next is, if two given numbers are divisible by a number, then their sum is also divisible by that number. ठीक है? ऐसे देखो, 16 and 20, दोनों को 4 divide कर रहा है. देखो, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20. तो दोनों का जो sum होगा, वो भी 4 से divisible होगा. देखो, दोनों को add करो, 16 plus 20 36 and 4 9 जा 36. So if two numbers are divisible by any other number, then their sum will be also divisible by that number. Okay? Yes, sir, beta? These all are patterns. In math, we love patterns.
okay? And same another property is that if two given numbers are divisible by another number, then their difference is also divisible by that number. जैसे देखो 35 and 20 लो, दोनों 5 से divide हो रहा है, 5 7 35, 5 4 20, तो दोनों को minus करो, 35 minus 20 कितना आएगा? 15, and 15 is also divisible by 5. हमें पता करना है कि व्हाट विल बी द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 12, 12 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा. तो आप 12 को प्रोडक्ट के फॉर्म में लेने की कोशिश करो, क्या ले सकते हो, 1 12 जा 12 हो सकता है, और कैसा बेटा 2 6 जा हो सकता है, और कैसा है 4 जा सकता है, और कह सकता है 4 3 जा सकता है, और 6 2 12, है ना, ऐसे हो सकता है 12 1 जा सकता है. अब इसमें देखो which one is co-prime, are these two co-prime, no, are these two co-prime, no, are these two co-prime, 3 and 4 are co-prime numbers, yes sir, yes or no. Yes? Yes, sir. So, if a number is divisible by 3 and 4 both, yes, sir, then it will be also divisible by 12. ठीक है? अगर कोई number 3 से और 4 से दोनों से divide होगा, तो वो 12 से divide होगा. ठीक है? इस example लो, 60. देखो ध्यान से. 60 को divide करता है 3 से, 320 जा 60, 4 15 जा 60. So 12 से भी डिवाइड हो, 12 5 या 16, देखो. ठीक है बेटा, लेकिन ये सबसे नहीं हो सकता, है ना, तो ये रूल मेरा बनता है. फिर मान लो 14 के रूल बनाना है तो क्या होना चाहिए, कौन बताएगा, रूल फॉर 14, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 7, बिकॉज 2 एंड 2 7 या 14 एंड 2 एंड 7 आर कोप्राइम्स. ठीक है बेटा, 18 का लेकर बताएगा, यस सर, 18, क्या 3 और 6 हो सकता है, कैन 3 एंड 6 बी द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 आल्सो 6 आल्सो देन आल्सो बाय 18, होगा सही गलत, यस सर, नहीं, इन दोनों नंबर को आप निकालो, यस सर, कॉमन फैक्टर इज नॉट 1, so they are not co-prime, co-prime नहीं है, 2 and 9, 2 9 जा 18 and 2 and 9 are co-primes, yes, yeah, 2 9 जा 18 and 2 and 9 are co-primes, so what is the rule, rule will be if a number is divisible by 2 and 9 both, then this will be also divisible by 18, ठीक है बेटा, sir, okay, so we have learned this also, right, next is prime factorization, okay, prime factorization, prime factorization, dekho beta what we do, we can write down a number in the form of product, dekho 72 into 5 into 7, and if all the numbers are prime numbers, that is called prime factorization. Prime factorization is the process of finding all the prime factors of a number. Okay, beta? So there are two methods of finding prime factorization. One is called factor tree, other is called long division method. Other is repeated division method or long division method. Let us know about factor tree. Suppose we want to write down the prime factorization of 70. Okay, beta? 70 को पहले दो नंबर से मल्टीप्लाई करके देखो किससे होता है, 10 7 जा 70, नाउ आउट ऑफ दीस टू चेक व्हिच वन इज आर बोथ ऑफ देम प्राइम नंबर, देन स्टॉप, इफ नॉट देन अगेन टू ब्रांच, सो 10 5 2 जा 10 एंड 7 इज प्राइम नंबर, सो व्हाट विल द आंसर, 2 * 5 * 7, यू मे राइट डाउन 35 2 जा 70, देन 5 35, सो 2 * 5 * 7. Let us see by some more example. Let me show you through the canvas. Okay, beta.
Let us see. Suppose you want to find out the prime factorization of 30. Okay. So first of all, two branch. दो ब्रांच निकालो इससे, दो ब्रांच. ओके, सो टेल मी टू नंबर बोलो जिससे मल्टीप्लाई करने पर 30 आएगा. जल्दी बोलो. 10 3 जा. अब देखो, इज इट अ प्राइम नंबर? नो, देन टू ब्रांच. ये प्राइम नंबर? यस, तो छोड़ दो. अब इसको फिर देखो कितना होता है. Yes, beta. Now, prime number? Yes. Prime number? Yes. Then stop. So, what will be the answer? 2 into 5 into 3. So, 30 is equal to 2 into 3 into. Sir, awaaz nahi aa rahi. Yeah. Vedansh? Can you give me a voice, beta? Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है? Yeah. Yes, sir. Similarly, take another number. Yes, sir. Suppose you take 36. Okay. Number is 36. So first of all, two branch. Okay. So write down, suppose 6, 6 is 36. Okay, beta. Now check. Is it a prime number? 12. No. Yes, sir. No. Then two branch. Is it a prime number? No, no. Then two branch. अगर prime number है तो branch नहीं करेंगे, और prime number है तो छोड़ देंगे. अब फिर करो, क्या हो सकता है? 2 3 6. इसको 2 3 6. So answer will be, देखो, prime number yes, prime number yes, prime number yes, prime number yes. So answer will be 2 into 3 into 2 into 3. So 36 is equal to, what is the answer? 2 into 2 into 3 into 3. इसको डाले किसने वाला? कितने वाला लेना रहता है? हमेशा नीचे वाला पोर्शन लेना रहता है? मुझे हमेशा नीचे वाला पोर्शन लेना रहता है? हाँ, नीचे वाला पोर्शन लेते हैं. यस बेटा, दिस वन लास्ट वाला लेते हैं. ऑल प्राइम नंबर्स लेते हैं, जो बचा प्राइम नंबर हमारा. ठीक है बेटा. सर, तुम्हें मैंने बताया था कि वो तो इसको क्या करो, इसको सर्कल कर दो, राइट, ऐसे स्क्वायर में बंद कर दो. ओके, नाउ टू ब्रांच निकालो, दो ब्रांच, एंड राइट डाउन एनीथिंग. सपोज यू गॉट 6 4 20. ओके, any difficulty? No. अब फिर दोनों ब्रांच को पकड़ो. इज इट प्राइम नंबर? नो. देन टू ब्रांच, अगेन टू ब्रांच. इज इट प्राइम नंबर? नो. देन टू ब्रांच. अगर प्राइम नंबर होगा तो आगे ले चले जाएंगे सीधा. अब इसका करो 2 3 6. इसका क्या होगा? 2 2 4. अब देखो, प्राइम नंबर यस, प्राइम नंबर यस, प्राइम नंबर यस, प्राइम नंबर यस. सो स्टॉप. नाउ द फैक्टराइजेशन हो गया हमारा 2 into 3 into 2 into 2. और चाहो तो इसको अच्छा सा पेड़ ऐसा बना दो. ये देखो, है ना, ये देखो अच्छा सा पेड़ बन गया हमारा, राइट. दिस इज कॉल्ड फैक्टर ट्री. सर, नंबर के आउटलाइन पे सर्कल भी बना सकते हैं? यस 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 बेटा. सो आंसर विल बी मेन, दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, ये हमको आना चाहिए निकालने के लिए, इसका आगे काम आएगा आपको. 2 2 4 4 2 8 8 3 24. इस वे में लिखेंगे हम लोग, है ना. सो इन दिस वे वी कैन राइट डाउन द फैक्टर ट्री मेथड हमारा है. ओके, अनदर मेथड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. ओके, आई एम चेंजिंग द पेज. सपोज यू हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सपोज 24. ओके, सो व्हाट, वन ड्रॉ वन लॉन्ग लाइन एंड वन दिस लाइन लाइक दिस. यू हैव टू ड्रॉ द लाइन. डू बेटा, ऑल ऑफ यू, आप लोग भी, सब लोग ऐसे लाइन बनाओ कॉपी में. प्रणव एंड ऑल अदर्स, अक्षा, ऑल अदर बेटा, आई कैन नॉट टेक द नेम ऑफ ऑल ऑफ यू राइट नाउ. सो नाउ रिमेंबर फर्स्ट रूल, यू हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय एनी प्राइम नंबर.
यहाँ प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, सो टू इज ए प्राइम नंबर, दो से डिविजिबल है, 12 टू जा 24, देखो बेटा ठीक है, यहाँ पर प्राइम नंबर होना चाहिए, रिमेम्बर अगेन प्राइम नंबर से बोलो किसे डिवाइड होगा, टू से डिवाइड हो रहा है, टू सिक्स जा 12, अगेन टू थ्री जा 6, अब ये किसे डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, जैसे 1 नीचे आए स्टॉप, सो 24 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, देखो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। सर मेरे पापा ऐसे ही एलसीएम करवाते हैं यही वाला। हाँ, एलसीएम में भी ये मेथड चलता है, हमारा लॉन्ग डिविजन मेथड चलता है बेटा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का है, ये जल्दी हो जाता है, इसमें ट्री कितना बनाओगे आप, ठीक है बेटा, एक मैं दे रहा हूँ आप लोग करो और मुझे बताना आंसर। सपोज नंबर इज बड़ा नंबर दो छोटा नंबर दो, एक मिनट सर, बड़ा 56 बेटा, 56 का करो, 56 डू ऑल ऑफ यू सर, पर नहीं देंगे 56, हाँ डू द फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56, सो ड्रॉ लाइन लाइक दिस, डिवाइड बाय एनी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 7 से डिविजिबल है, 7 इज अ प्राइम नंबर, 7 8 जा 56, या कोई 2 से लगा सकते हो, है ना बेटा, 4 से नहीं लगाएंगे, 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, फिर एक इस प्राइम नंबर से किससे डिवाइड होता है, 2 से होता है, 2 4 जा 8, 4 से नहीं लगाओगे यहां पर, फिर किससे होगा, 2 से, 2 2 जा 4, फिर क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 7 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 7 = 56, है ना, अरेंज कर देना चाहिए हमें, फिर आके क्या आंसर आया हमारा, आया पेन कहाँ गया, ये 2 × 2 × 2 × 7, अगर नहीं भी करें तो भी चलेगा, 56 ही आएगा, हाँ बेटा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 7 = 56, ओके कम ऑन टेक वन मोर नंबर, राइट, नंबर इज 45, चलो फाइंड आउट ऑल ऑफ यू, 45 फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45, so what did you get your answer, sir 5 sir, ek baar fir batayenge sir, mera left ho gaya to sir, 5 × 3 × 3 kaise batata, ha 3 × 3 × 5 mera samara hai sir, 5 yes sir, 5 × 3 = 15 or 15, ha you can write on 5 × 3 × 3 also 45, से बेटा ओके, सपोज वन मोर एग्जाम्पल, या अदर एग्जाम्पल इज आई मस्ट गिव यू 76, चलो 76 डू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 76, इट इज बेसिक थिंग बेटा, वी मस्ट ऑल हैव यू, वी ऑल हैव टू लर्न दिस 76, डू ऑल ऑफ यू 76, so you have to divide by, देखो 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, सबको मालूम है बिकॉज 6 यहाँ पर है, 2 × 3 = 6 आएगा 1 38, 2 जा फिर 2 से डिवाइड होगा 19, 2 जा 38, और 19 इज ए प्राइम नंबर,
सो 19 से डिवाइड होगा, 19 बन जा 19, आंसर इज 2 into 19. ओके बेटा, इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी गिवन नंबर. एक और लेते हैं, ठीक है, एंड द नंबर इज 147. चलो करो, नंबर इज 147. सर दिस इज अ प्राइम नंबर. नो, नॉट अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर नहीं है बेटा. ओके सर. 7 से डिवाइड करो इसको, 7 से. 7 से डिवाइड होगा, देखो 7 टू या 14, फिर 7 आएगा, 7 में 7 21, 7 जा 147, ठीक है. ये फिर 3 से हो रहा है या 7 से हो रहा है ना, देखो 3 से हो रहा है. आप कुछ क्वेश्चंस लिख लो आप, है ना बेटा. मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन लिख लो फटाफट जल्दी से. नॉट होमवर्क, फॉर प्रैक्टिस ओनली बेटा, है ना. ये कॉपी में सर, सर यस बोलो बेटा. सर इसमें एक रूल होता है कि 21 में से जो सबसे छोटे नंबर होता है उससे डिवाइड करना है, अगर नहीं होता तो 7 जो उसका आगे का होता है उससे करते हैं. यू कैन डिवाइड बाय एनी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है. ओके सर, यू हैव टू डिवाइड बाय प्राइम नंबर. सर ओनली प्राइम नंबर से डिवाइड. हां प्राइम नंबर से लगाना है तब तक जब तक 1 नहीं आ जाए नीचे, ठीक है. प्राइम नंबर से डिवाइड करना है. सी, नोट डाउन द क्वेश्चन बेटा. 1, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8. फटाफट लिखो सब लोग. फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28, है ना. Then find the prime factorization of 16. फेयर कॉपी में लिखना है. 28 फेयर में नहीं, ये क्लासवर्क में ही कर लेना इसको. 16, 28, 38. और ये मत लिखना, बस 3 तक लिखो, है ना. राइट ओनली अप टू क्वेश्चन नंबर 3. सर 3 तक? हाँ बस 3 तक, ये भी पढ़ाएंगे तब ना बेटा. 3 तक लिखो सिर्फ, ये मैं पढ़ाऊंगा अभी बेटा. ये सर हो गया, अभी पढ़ाऊंगा मैं ये वाला. सो ओनली राइट अप टू दिस मच, ओनली अप टू दिस मच लिखना बेटा. दिस मच, ओके, एंड प्रैक्टिस इट. यू फाइंड डिफिकल्टी, आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, राइट. ये सारे क्वेश्चन लेके आना आप. प्रश्न में कभी एस भी होता है, जेड भी होता है. ओके, शैल वी स्टार्ट नेक्स्ट. ओनली वी हैव 5 मिनट्स, सो वी कैन डू मोर प्रैक्टिस. हाँ या बेटा, शैल वी गिव यू मोर क्वेश्चंस. फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 115. Let me find, see how many of you are finding out. Find the prime factorization of 115. Do all of you. 115. Be quick. हाँ, 5 से डिवाइड हो रहा है, देखो क्योंकि 5 यहाँ पर है. 23 5 जा 115 आता है, और 23 जो प्राइम नंबर, 23 1 जा 23, सो आंसर इज
है ना बेटा, ओनली टू फैक्टर्स इसका, तो ही है। चलो एक और देते हैं, राइट? दिस टाइम वन हंड्रेड एट डू बेटा, नंबर इज 108, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 108। बाय 2 डिविजिबल है, देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन बाय 2, 2 जा 4, 1, 2 इज 24, बाय 3, 3 9 27, अगेन बाय 3 जा 9, अगेन बाय 3, 3 1 जा 3, सो आंसर इज 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 10 into 3 into 10 into 3 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 into
try to arrange them in ascending order. Try. It is not wrong. If you write down 3 first, 2 first, doesn't matter beta. It is also correct. Okay? इस नंबर को पहले आए बाद में आए कोई दिक्कत नहीं है, बट बाद में आप अरेंज कर देना असेंडिंग ऑर्डर में, इसके आगे फायदा मिलेगा आपको. ओके बेटा, सो नाउ जो चेक करेगा उसे भी समझ में आएगा. हां, नाउ कैन यू सी माय बुक? यस सर. या सो यू आल्सो यस सर, पीडीएफ है. हां पीडीएफ है. यू आल्सो ओपन योर बुक एंड लेट अस कम टू एक्सरसाइज. वेरी नाइस एक्सरसाइज देयर, दैट इज योर होमवर्क. ओके बेटा, homework is exercise 3.4. Note down. Exercise 3.4. This is your homework. Okay, more questions you will find out. Right? And more rules padhaye. Dekho, pehla rule ye hai. Underline kar lena isko. Underline. Jo maine underline kiya. Underline. Another one. This one is underline. And this one is another one. And last one is what this. Jo maine padhaya tha abhi. राइट बेटा, एंड देन सारे ब्लैक नंबर वाले. हां हां, मोर बीबी जीबी लिटिल रूल्स, देन प्राइम फैक्टराइजेशन. जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. सो 3.5 सर क्लास वर्क में लिखने हैं, होमवर्क में बेटा. एक्सरसाइज 3, हां वो रूल क्लास वर्क कॉपी में लिखना है. रूल क्लास वर्क कॉपी में. एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.5 ये होमवर्क कॉपी में करना आपको है. ओके, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे HCF एंड LCM, एंड देन वी विल आल्सो डू सम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन बोथ, एंड देन दिस चैप्टर विल कम टू एन एंड. सो बी रेडी, नेक्स्ट क्लास विल स्टडी अबाउट LCM एंड HCF. ओके बेटा, सो होमवर्क इज एक्सरसाइज 3.4 एंड 3.5. या होमवर्क क्या दिया मैंने? पढ़ेंगे इसके ऊपर. ओके सर, परसों मैथ्स की क्लास है सर. हाँ, नाउ टाइम सेज इट इज 3:40. So, I must come to the point. Where is my meet? Yeah. Can you see me now? Yes, sir. Yeah. So, do Shanti part. And those who are having problems, kindly stay, beta. And you ask me. I'll explain. Do Shanti part. Shanti. Hey, Ram. Don't leave. Take my attendance.
साईराम सर, साईराम सर, साईराम बेटा, साईराम, साईराम सर, साईराम सर, सर लीव कर दे, साईराम सर, यू कैन लीव नाउ, सर आप लीव कर सकते हैं, हाँ बेटा लीव कर सकते हो, किसी को सवाल पूछना है तो रुक जाओ और पूछना शुरू करो मुझसे. Anybody is having problem, any difficulty, you can ask me. Sir, yes, sir, 3.5 के जितने question हो सके लिख सकते हैं ना? हाँ बेटा, करना है, सारे कर लोगे आप, difficulty नहीं आएगी आपको. Yes, sir.